नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष शाहनवाज आलम का सिहोरा पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से भव्य स्वागत किया। सिहोरा के प्रदेश सचिव नासिर चौधरी के निवास स्थान पर पहुंचे शाहनवाज आलम ने कहा कि सत्ताधारी सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, यही वजह है आज 49 दिन बीतने के बाद भी देश के प्रधानमंत्री धरने पर बैठे किसानों से नजरे नहीं मिला पा रहे हैं। इस मौके पर कांग्रेस नगर अध्यक्ष चौधरी फैयूम रहमान, चौधरी जकी उफ रहमान, डॉक्टर यगदत्त गौड, डॉक्टर राज बहादुर शर्मा, नैयर चौधरी, चौधरी उमेर जावेद, फैजान मिर्जा, जिलाध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग अनीस विशाल, बाबर आजम आदि मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी के जितने भी फ्रंटल संगठन हैं, मेन बॉडी है, कांग्रेस है, ओबीसी कांग्रेस है, माइनॉरिटी कांग्रेस है, किसान कांग्रेस है, इन सभी लोगों को महासचिव प्रियंका गांधी जी की तरफ से निर्देश है कि वो क्षेत्रों में जाएं और संगठन को एक लक्ष्य दिया गया है कि निश्चित समय में संगठन निर्माण का काम पूरा कर लिया जाए। इसीलिए हर ज़िले में 2 दिन का प्रवास है और ज़्यादा से ज़्यादा गाँव में, कस्बों में लोगों से मुलाकात करने का निर्देश दिया गया है। उसी के तहत मैं यहाँ पे आया हूँ। जो मुस्लिम नौजवान वोट टूट रहा है कांग्रेस से, उसके लिए आप क्या प्रयत्न कर रहे हैं उन्हें जोड़ने के लिए? देखिए, किसी भी पार्टी से जोड़ने के एक ही तरीका होता है कि लोगों के बीच जा करके पार्टी की विचारधारा को बताया जाए। हम यही बता रहे हैं कि एक ज़माने में जब मुसलमान कांग्रेस को वोट दिया करता था, तब भाजपा की सिर्फ 2 सीटें हुआ करती थी और हिंदुस्तान में 5-5 राज्यों में मुसलमान मुख्यमंत्री कांग्रेस दिया करती। ये एक दौर था जब मुसलमानों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो बहुत अच्छा हुआ करता था। और एक वो समय है जब पिछले 30 साल से सामाजिक न्याय के नाम पे, भाजपा को हराने के नाम पे मुसलमान सपा बसपा को वोट कर रहा है और उसके सबसे जो कद्दावर नेता हैं आजम खान, अगर वो जेल चले जाते हैं तो पार्टी उनके लिए कुछ नहीं करती। यही तमाम बातें लोगों को समझाई जा रही हैं। देखिए, ऐसी क्या वजह रही कि नौजवान तबका टूट रहा है कांग्रेस से? देखिए, अगर नौजवान तबका टूट रहा होता तो अभी जो चुनाव हुए हैं, कई जगह जहां हम लोग बेहतर लड़ पाए वहां हम सेकंड नंबर पर आए और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी हमसे नीचे चली गई। जबकि माना जाता है कि मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी को जाता है। अगर ऐसा होता तो बांगर मऊ में हम सेकंड पे नहीं होते और सपा 4थे नंबर पे नहीं होते। इसी तरह कानपुर की सीट पर भी हम सेकंड पे रहे, सपा 4थे नंबर पे नहीं। बुलंदशहर में तो सपा 5वें नंबर पे रही। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रुझान अल्पसंख्यक समाज का कांग्रेस पार्टी की तरफ बढ़ रहा है। वो ज़माना चला गया जब लफाजी करके समाजवादी पार्टी वोट ले लेती थी। आज का मुसलमान नौजवान आजम खान का हश्र भी देख रहा है। इसलिए बहुत तेज़ी से, तो मैं कहूँगा आप थोड़ा 2 महीना इंतज़ार कर लीजिए, बहुत सारी चीज़ें होंगी जहाँ आपको बहुत भीड़ दिखेगा कांग्रेस के बैनर की। अध्यक्ष जी, का आंदोलन जनता लड़ रही है। सियासी पार्टियों का काम होना चाहिए कि अगर कोई जनता स्वतः स्फूर्त आंदोलन कर रही है तो उसके आंदोलन के समर्थन में खड़ी हो। हम उसके समर्थन में खड़े हैं। चूँकि ये किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है, इसलिए डायरेक्टली किसी भी पार्टी को उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। जनता का आंदोलन समर्थन करते हैं उनके आंदोलन का। बिल्कुल, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने कल 32 सांसदों से, जो पिछले 32 दिनों से जो धरने पर बैठे हुए किसान आंदोलन के समर्थन में, उन तमाम सांसदों से कल उन्होंने अपने आवास पर भी मुलाकात की। हमारे अध्यक्ष माननीय अजय कुमार लल्लू जी 30 दिन जेल में रहे। हमारे दलित कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, 2.5 महीने जेल में रहे आलोक प्रसाद जी। हमारी पार्टी के प्रवक्ता अनूप गुप्ता 3.5 महीना जेल में रहे। कोरोना काल में गरीब जनता की मदद करने के अपराध में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के छोटे बड़े तमाम नेताओं को मिला दीजिए तो करीब 80 लोगों पर मुकदमा हुआ। तो हमारे ऊपर क्यों मुकदमा हो रहा, हमको क्यों विरोधी मानते? सपा बसपा उसको अपने आप को एक मजबूत सरकार दिखा। मजबूत सरकार यानी जो जनता के आगे झुके नहीं, भले उसी जनता ने चुना हो लेकिन उसके आगे झुकेंगे तो बदनामी हो जाएगी। दूसरा, इस पार्टी का जो चरित्र है, ये बड़े पूंजीपतियों की पार्टी है। मोदी जी की स्थिति समय बहुत ही विकट है। वो 2 तरफ से घिरे हुए हैं। एक तरफ जनता का दबाव है जो पिछले 1.5 महीने से दिल्ली को घेरे हुए, जिसने वोट दिया,
एक तरफ अंबानी जी का, अडानी जी का दबाव है जिन्हें उसको, जिन्होंने उनको नोट दिया है अपनी हवाई जहाज में बैठा के चुनाव प्रचार कराया है। तो जो आपको अपनी हवाई जहाज में बैठा के घुमाएगा, चुनाव के लिए 10,000 करोड़ रुपया देगा, वो फ्री में थोड़े ही आपके लिए सब कुछ करेगा, वो जरूरत पड़ने पे आपको पीटेगा भी। तो ये सरकार बहुत दबाव में है, बहुत दया आ रही है। 56 इंच का सीना था लेकिन किसानों से नजर छिपा करके भागे हुए, ये तो इतिहास के सबसे डरपोक प्रधानमंत्री साबित हुए। सरकार वो होती है जो जनता से बात करे, उनकी बात सुने। अच्छा जी, एक सवाल हमारा है।